आज 14 दिसंबर को सुबह में करीब 6 बजे एक महिला नागा थाना के सुदूर गांव से एक महिला अपने नाबालिग बच्चे के साथ में थाना पे आई और बताई कि बीते दिनांक 13 दिसंबर संध्या में वो अपने नाबालिग बच्चे के साथ में गांव में दस्कल में गई हुई थी, जहां पर अपनी बच्ची को गांव में खेलते हुए बच्चों के साथ छोड़कर अपने घर में गई और कुछ देर के बाद जब वो वहां से आई तो देखी कि इसकी बच्ची नहीं है। तब ये अपने लोगों के साथ मिलकर खोजबीन करने लगी। इसी क्रम में पता चला कि बबलू उड़ाव नाम का लड़का उसकी बच्ची के आसपास दिखा गया है। जो बबलू उड़ाव उस गांव में महिला के प्रति गलत व्यवहार को लेकर बदनाम है, जिस पर इन लोगों को संदेह हुआ और पूरे गांव में गए उनको खोजबीन करने लगे। इसी क्रम में गांव से दूर टेकती सुनसान जगह पर चूंकि अंधेरा हो गया था टॉर्च रोशनी देखे कि बबलू उड़ाव उसकी बच्ची के साथ सुनसान जगह पर है। तब इन लोग वहां पहुंचे तो बबलू उड़ाव ग्रामीण को आता देख के वो अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया। तब वो अपनी बच्ची को लेकर अपने घर पे आई और लड़की से पूछताछ की तो बताई कि गांव का बबलू उड़ाव बोला कि मम्मी घर में बुला रही है, हमको बला फुसका कर ले जाने लगा। जब सुनसान जगह पर ले जाने लगा था हम उससे हम डर गए, अब बोले घर पहुंचा दो, तो मेरा मुंह दाब कर वो सुनसान टेकी जगह ले गया और मेरे साथ में मेरा नीचे का कपड़ा खोल कर मेरे साथ में बलात्कार किया। जब गांव वाले को आता देखकर बबलू का अंधेरे का फायदा उठाकर भागने सफल रहे। इस संबंध में वरीय पदाधिकारी को सूचित हुए थाना प्रभारी द्वारा इस धारा थाना कांड संख्या 14 कांड संख्या 94/23 अंकित किया गया और इस कांड के प्राथमिकी अभियुक्त को विगत 2 से 2.5 घंटे में उसे गिरफ्तारी कर ली गई। उस अभियुक्त जो घटना से कवर पर था उसको जब्त किया गया है और लड़की के मेडिकल और आगे कार्रवाई की जा रही है। अभियुक्त अपने अपराध को स्वीकार किया जिसको गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है।